किया और पैसे नहीं दिए, जिसके वजह से पत्नी ने पतिवी चाय में जहर मिलाकर मार डाला। देखो इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। हाँ बताओ। पति पत्नी से परेशान होकर पत्नी की बहन को लेकर भाग गया। पति पत्नी को खुश रहना चाहिए और हर मिलकर एक साथ रहना चाहिए। पत्नी को पति की सारी बात मानकर भगवान समझकर उसको पूजना चाहिए। तो कितना अच्छा लिखा है ना। हाँ, पत्नी की यही अच्छी बातें सुनकर पति पत्नी और साली अच्छे से एक साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगे। पूरे दिन मैं ही काम करती रहती हूँ, एक अकेली मैं ही हूँ जो पूरा घर का काम करती रहती हूँ। पूरे दिन फोन चलाते रहते हो, ये नहीं सोचते हैं कि हाँ थोड़ा हाथ भी लगा दो। तूने तो बोला हाथ लगाने के लिए। मुझे हाथ लगाने के लिए नहीं, काम को हाथ लगाने के लिए बोला। ला ये ले। एक्सक्यूज मी, अरे मार क्यों रही है, मैं तो भाजपा का प्रचार कर रहा था। तो मैं भी तो कांग्रेस का प्रचार कर रही थी। अगर आपके पति पूरे दिन फोन में लगे रहते हैं और फोन ही देखते रहते हैं, तो उस फोन को ऐसे उठाइए और ऐसे फेंक दीजिए। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। राज, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तब मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ तुम ही थे। और जब मेरी नौकरी छूटी ना, तब भी मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ तुम ही थे। और जिस समय मेरी पेमेंट अट गई ना, तो भी मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ तुम ही थे। और जिस समय मेरा ब्रेकअप हो गया ना, तब भी मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ तुम ही थे। यही तो पहचान होती है एक अच्छे दोस्त की। अरे घंटा अच्छे दोस्त की पहचान होती है। मेरी जिंदगी में तुम्हें घंटा बना पड़ा है, आज से बाद मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। पास मत आना, सारी पनौती नहीं खर्च हुई है, बच्ची कुछ जिंदगी भी मेरी खराब कर दी। दोबारा मुझे अपना थोबड़ा मत दिखाना।